60 वाट के एचएफ चला रहे हैं, तो आप आराम से अगर इम्पीडेंस को आप सही से मैच करें इस एक चैनल के ऊपर, लोड आप 16 एचएफ का इसका एक चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, तो दोनों चैनल के ऊपर आप 32 एचएफ भी चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ATI Pro कंपनी का एक क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, और इसका जो पावर रेटिंग है वो काफी अच्छा है, आपका टॉप या फिर लाइनर चला सकता है। अगर मैं इस पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इसको मल्टी यूटिलिटी यूजर्स में भी ले सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर टॉप चला सकता हूँ, इसके ऊपर लाइनरें भी चला सकता हूँ। और जैसे कि आप लोग रोड शोज का अगर काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे HF ड्राइवर्स भी चलाना होता है, तो उस केस में जैसे कि ये 2 चैनल पावर एम्पलीफायर है, आप बहुत सारे HF ड्राइवर्स भी चला सकते हैं। और HF ड्राइवर्स का कनेक्शन कैसे करेंगे उसका भी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। और ये जो पावर एम्पलीफायर है ATI Pro की तरफ से बहुत ही अफोर्डेबल बजट में आपको मिल सकता है। इसके लिए आप अपना नजदीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पावर एम्पलीफायर का डिटेल्स के बारे में जानते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं, कितना पावर ये देता है। इसके सारे डिटेल्स जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको HFs के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो ये है ATI Pro ATI 901। ये क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर है। इसका जो पैकेजिंग है, आपको 2 पैकेजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पैकेजिंग है और साथ में अंदर में भी आपको एक पैकेजिंग देखने को मिलेगा, और इनसाइड में भी आपको काफ़ी अच्छे से फोम की पैकेजिंग देखने को मिलेगी, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार का डैमेजेस ना आए। तो चलिए इस पावर एम्पलीफायर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। इस पावर एम्पलीफायर में आपको सामने की तरफ हैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगी, इसमें आपको बैक साइड में हैंडल्स देखने को मिल जाएगी। सो ये है इस पावर एम्पलीफायर का फ्रंट लुक। आपको यहाँ पे ATI Pro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, वेंटिलेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच भी आपको देखने को मिलेगा, 2 गेन नॉब आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट एक्टिव सिग्नल और क्लिप इंडिकेटर देखने को मिलेगी। और इसका जो मॉडल नंबर है ये है ATI 901। कलर कॉम्बिनेशन है काफी अट्रैक्टिव रखा गया है, ऑरेंज टाइप का रखा गया है, और ब्लैक ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में काफी गुड लुकिंग दिखता है ये पावर एम्पलीफायर। और आप यहां पे देखेंगे ATI Pro का जो ब्रांडिंग है यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, और ये जो पावर एम्पलीफायर है ये 2U रैक माउंट साइज में आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो वेट है ये लगभग 23 kg आपको देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप इसका बैक साइड देखेंगे, आपको यहाँ पे दोनों साइड में 2 हैंडल्स देखने को मिलेगी, 2 फैंस देखने को मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे आपका इनपुट का स्लॉट देखने को मिलेगा जिसमें आप XLR इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पे थ्रू भी देखने को मिलेगा, इससे कोई और एम्पलीफायर के लिए सप्लाई भी ले सकते हैं TRS से। और यहाँ पे कुछ स्विचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से एक स्विच जो है आपका 30Hz का लो कट स्विच आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको ब्रिज स्टीरियो पैरेलल मूड सिलेक्टर बटन भी देखने को मिलेगा, साथ में आपको सेंसिटिविटी का भी बटन देखने को मिलेगा, जिससे आप 0.775 या फिर 1 वोल्ट या फिर 1.4 वोल्ट ऑपरेशन इसको कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ क्रॉसओवर यूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन है। अगर आप इसको डायरेक्ट प्ले करना चाहते हैं, आपने सोचिए कहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास ना ही एक DSP है ना ही एक एक्टिव क्रॉसओवर है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं हाई पास करके, या फिर बाईपास में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको लो पास में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे आउटपुट के लिए 2 स्पीक ऑन कनेक्टर आउटपुट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बनाना कनेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो पावर कनेक्टर है ये फिक्स नहीं है, इसको आप खोल सकते हैं। सोचिए कभी कभार पावर कनेक्टर खराब हो गया तो दूसरा पावर कनेक्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे आप अदर इक्विपमेंट में DSP में एक्टिव क्रॉसओवर में यूज़ करते हैं उसी तरह से। और साथ में यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ भी देखने को मिलेगा पावर कनेक्टर के नीचे। ओवरऑल ये है इसका बैक साइड। अभी हम इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको टोराइडल ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा इस पावर एम्पलीफायर में, और ये जो पावर एम्पलीफायर है ये क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर है। ये जो पावर एम्पलीफायर है ये आपको 8 ohms पे पर चैनल आपको 600 वाट का आउटपुट दे सकता है। अगर आप इसको 4 ohms में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये 900+900 वाट का आउटपुट दे सकता है। अगर आप कभी कभार ब्रिज मोनो पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टोटल दोनों चैनल मिला के 1800 वाट का आउटपुट मिल सकता है 8 ohms में। इसका जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो है लेस देन 0.1%,
और इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है वो है 95 dB। इस पावर एम्पलीफायर का जो डैम्पिंग फैक्टर है ये आपको हर चैनल में 8 ओम्स पे 450 का मिलेगा। 450 का डैम्पिंग फैक्टर है 8 ओम्स के लोड में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्लास ए बी में है और इसका रैक माउंट साइज जो है वो 2U में है। और इस पावर एम्पलीफायर का जो नेट वेट है वो आपको 23 kg देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, अच्छा वेट है इसका। ओवरऑल ये था इस पावर एम्पलीफायर का डिटेल्स। अभी मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा इस पावर एम्पलीफायर का जो स्पेसिफिकेशन देखने के बाद, इसके ऊपर आप क्या क्या चला सकते हैं। सोचिए आपको 8 ओम्स में कोई मॉनिटर चलाना है जिसमें आपने 600 वाट का स्पीकर डाला है या फिर 500 वाट का स्पीकर प्लस HF डाला है, तो उस तरह से आप 2 मॉनिटर इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर 400 वाट के 2 स्पीकर या फिर 450 वाट के 2 स्पीकर प्लस HF इस तरह से अगर आप टॉप रेडी किए हैं तो इसके ऊपर एक एक चैनल के ऊपर आप एक एक टॉप चला सकते हैं, 2 टॉप। अगर आपने लाइनरे बिल्ड किया है जिसमें आपने 400 वाट या फिर लगभग आपने 450 वाट इस तरह से आपने स्पीकर डाला है, डबल HF डाला है, इसका एक चैनल के ऊपर आप एक एक लाइनरे भी चला सकते हैं। सोचिए अगर आप इसको HF ड्राइवर्स के लिए ले रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे आपको HF चलाना है, तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। पहले तो आपको DSP से अपना फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आपका HF है उसका पहले बना लेना होगा, इसका इनपुट में आपको डालना है। फिर जब आप आउटपुट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 110 वाट का या फिर 100 वाट का HF आप ले रहे हैं, 8 पीस आपको चलाना है, 16 पीस आप इसके ऊपर HF चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि इम्पीडेंस जो है HF का वो नीचे चला जाएगा, जबकि हमारा जो ये पावर एम्पलीफायर है एक चैनल के ऊपर 900 वाट 4 ओम्स पे देता है, तो हमें इम्पीडेंस को भी ध्यान में रख के चलना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक पेयर करके आपको 4 पेयर सीरीज में कनेक्शंस करना है अपने HFs का। तो वहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, आपका 2 HF जो है अभी वो 16 ओम्स का बन गया है, दूसरा पेयर जो है वो भी 16 ओम्स का है, तीसरा वो भी 16, चौथा वो भी 16 ओम्स का बन गया है। अभी ये जो 16 है और ये जो 16 है इन दोनों के बीच आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, जहाँ पे आपका इम्पीडेंस जो है वो 16-16 मिलके पैरेलल कर रहे हैं तो वो 8 ओम्स पे आ गया। तीसरा और चौथा जो पेयर है उसको भी वैसे ही पैरेलल कनेक्शन कर लेना है, तो हमारा यहाँ पे भी चारों HF का मिला के अभी ये 8 ओम्स पे आ चुका है, 16+16 8 हो गया। अभी फिर ये जो 4 आपने कॉम्बिनेशन बनाया है जो 8 ओम्स का है और ये जो 4 है जो 8 ओम्स पे है, इन दोनों को पैरेलल कर लेना है, टोटल जो HF का जो इम्पीडेंस हो गया वो आपका 4 ओम्स पे आ गया। अभी आपका HF जो है सोचिए 110 वाट का है, 8 HF है तो 880 वाट आपका लोड है, ये आपको सप्लाई दे रहा है 900 वाट, तो आराम से एक चैनल के ऊपर उस तरह से आप उतना HF चला सकते हैं, वैसे ही सेम दूसरे चैनल पे, तो टोटली आप 16 HF ड्राइवर इस पावर एम्पलीफायर के ऊपर चला सकते हैं। वैसे ही अगर आप 80 वाट के या फिर 60 वाट के बना रहे हैं तो उसी तरह से आपको सीरीज पैरेलल करके ये जो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा समझ लेना होगा, कैसे आप इम्पीडेंस को फिर वापस लेके आएंगे जितना आपका पावर एम्पलीफायर सप्लाई दे रहा है, और उसके बाद आप फिर लोड को कैलकुलेट करेंगे कि टोटल उतना HF के बाद जब उतने इम्पीडेंस में चलाने के लिए तैयार हो गए हैं कितना लोड आपका बन रहा है। वो 60 वाट के HF चला रहे हैं तो आप आराम से अगर इम्पीडेंस को आप सही से मैच करें इस एक चैनल के ऊपर, लोड आप 16 HF का इसका एक चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, तो दोनों चैनल के ऊपर आप 32 HF भी चला सकते हैं। सो ये था इसका जो कनेक्शंस। चलिए अभी हमने तैयार किया है 2 960 वाट के 2 लाइनरें जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से, तो इस पावर एम्पलीफायर को फिर कनेक्शंस करते हैं और इसका ऑडियो क्वालिटी वो दोनों लाइनरें के साथ हम सुन लेते हैं। तो इस पावर एम्पलीफायर का टेस्टिंग के लिए हमने रेडी कर दिया है ये दोनों लाइनरें, ये अपना कस्टमाइज मॉडल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट फिटिंग्स के साथ आता है, आप अगर चाहें इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं हमसे, चाहे तो एम्प्टी कैबिनेट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो इसको कंप्लीट में भी ले सकते हैं। तो ये जो लाइनरे है ये एक एक जो है इसमें 400 वाट के स्पीकर और 80 वाट के न्यू HFs है, तो इसके साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। एक चैनल के ऊपर लोडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एक चैनल के ऊपर इसको चलाएंगे और दूसरे चैनल के ऊपर इसको चलाएंगे। एम्पलीफायर्स वगैरह भी कनेक्शंस कर लेते हैं और इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं, विंड क्वालिटी आप देख सकते हैं, बैक प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से है,
तो चलिए कनेक्शंस करते हैं और उसके बाद इसका टेस्टिंग हम कर लेते हैं। सो हमने इस पावर एम्पलीफायर को रेडी कर लिया है, ये अभी ऑन है, हाफ पे रखा है इसका गेन को, और यहाँ पे हमने मिक्सर भी रेडी कर लिया है और डीएसपी, साथ में ये लाइनर को भी हमने रेडी कर लिया है। अभी हम इसका टेस्टिंग सुनेंगे। So, दोस्तों हमने टेस्ट किया ATI Pro ATI 901 पावर एम्पलीफायर को, जो एक क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर है। पावर रेटिंग जो है वो 900 वाट है, काफी अच्छा है। इस लाइनर के साथ काफी अच्छा रिजल्ट हमें सुनने को मिला। ओवरऑल मैं आपको इसको रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप 900 वाट या फिर 1000 वाट तक का टॉप या फिर डुअल टॉप या फिर लाइनर चलाना चाहते हैं तो इस पावर एम्पलीफायर को आप ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा बजट में देखने को मिल जाएगा, और साथ में अगर आप काफ़ी सारे HF ड्राइवर्स आपको चलाने हैं तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 16 HF आप यूज़ कर सकते हैं 110 वाट के इस पावर एम्पलीफायर के ऊपर, या फिर 60 वाट के आप अगर चाहें 32 HFs भी चला सकते हैं, लेकिन आपको कनेक्शंस जो है जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से करके चलाना पड़ेगा, और उसका सिग्नल जो है आपको एक्टिव क्रॉसओवर से लेना पड़ेगा या फिर डीएसपी से आप उसका सिग्नल बना के ले सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा है, आप अगर चाहें इसको परचेज कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।